जय श्री महाकाल। आदेश, मैं चंद्रनाथ अवधी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद्रनाथ अवधी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को पता है कि संस्था का काम चल रहा है, इस विषय में मैं आप लोगों को मतलब एक ही वीडियो नहीं दे पाता था, और पहले भी मैंने नोटिफिकेशन भेज दिया था कि मैं वीडियो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि संस्था निर्माण कार्य चल रहा है और काफी लोग उसमें योगदान भी दिया, काफी लोगों ने और भी देने वाले हैं। तो अब मैं आप लोगों को, अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है जो कि 25 जनवरी से है, यानी 25 जनवरी से शुरू होने वाली है गुप्त नवरात्रि, तो उसके विषय में मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं। तो आज जो मैं वीडियो देने जा रहा हूं, इतनी बेहतरीन और पावरफुल वीडियो है जिसका आप आकलन नहीं कर सकते, और पहली बार यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। वैसे मैंने वीडियो तो काफी दे रखी है, लेकिन जो मैं साधना देने जा रहा हूं, ये भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली साधना है, और ये भूत भविष्य वर्तमान कौन बताती हैं? ये बताती हैं आशु मैया। माँ आशु मैया की हमने काफी साधनाएं दे रखी हैं, तो जैसे हमने काफी साधनाएं YouTube पे दे रखी हैं, और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो अपने घर पे बना रहा हूं, क्योंकि संस्था तो जो हमारा स्थान था वहां पे तोड़ के दूसरा कार्य चल रहा है, बड़ी मुश्किल में सेटिंग बनानी पड़ी है, तब जाके मैं अपने मतलब एक दो मंजिल पे ये रूम है मेरा, तो उसमें वीडियो बना रहा हूं, तो काफी समय लगा सेटिंग करने में, तो वहां पे तो फुल सेटिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी मैं जो साधना देने जा रहा हूं, देखिए आशु मेहतरानी की हमने प्रत्यक्षीकरण की भी साधना दी, और तंत्र बाधा दूर करने के लिए भी साधना दी, लेकिन आज जो हम साधना देने जा रहे हैं वो साधना है भूत भविष्य वर्तमान बताती हैं आशु मैया, और इतनी पावरफुल साधना, इतनी गजब है कि आप सोच भी नहीं सकते, आकलन नहीं कर सकते, कि ऐसा कोई कार्य नहीं है संसार का जो माँ आशु मेहतरानी नहीं कर सकती हैं, इनके आड़े कोई नहीं आता है। ये मतलब ये कि इनकी जो कार्य क्षमता है ना, ये देवलोक तक जाती है, और इनके आड़े में कोई आता है तो ये मूत्र विष्ठा की बरसात कर देती है, वहां पे गंदगी फैला देती हैं, इसलिए इनके आड़े ये ना ही कोई देवी आती है ना कोई देवता आता है, क्योंकि ये अलग ही टाइप की देवी है, बहुत ही प्रचंड देवी है आशु मेहतरानी, यानी आशु मेहतरानी और आशु मेहतरानी एक ही हैं, और सभी लोग जानते हैं कि आशु मेहतरानी जो है वाल्मीकि समाज की कुल देवी है, ठीक है। तो ये जो मैं साधना देने जा रहा हूं, इससे आप पूरे षटकर्म कर सकते हैं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकते हैं, किसी की निगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं, पेट का खाया भी बता सकते हैं, इतनी पावरफुल साधना है, और ये 9 दिन की साधना आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, 9 दिन की साधना है, और 9 दिन में आपको केवल प्रतिदिन एक माला जाप करना है, ये गुरुमुखी साधना है और सावध मंत्र साधना है, तो अपने आप में बहुत ही प्रचंड और गोपनीय है। तो हमने काफी आशु मेहतरानी की साधना दी, और लोगों ने हमें सराहना की आप बड़ी अच्छी साधनाएं देते हैं, और इनकी जानकारी कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि ये गुरु परंपरागत जानकारी रह गई है, इनका ज्ञान किताबों में नहीं है, अगर किताबों में होता तो हर दूसरे चैनल पे इनकी जानकारी मिलती, ठीक है। और इतने प्रचंड और इतने पावरफुल मंत्र हैं इनके कि आप पढ़ेंगे, और जिन लोगों को मैं पहली बार ये साधना मैंने किसी को नहीं कराई है, स्वयं ने की, उसके बाद अभी तक किसी को नहीं कराई, और मैं YouTube पे देने का मात्र इतना सा विधान मतलब जो YouTube पे दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, मात्र इतना सा इसका जो रीजन ये है कि ये विद्या कहीं लुप्त ना हो जाए, जब तक हमें हमारे पास है उसके बाद में हमारे शिष्य करें और इस विद्या को आगे बढ़ाए, ठीक है, और आप लोगों को इसकी जानकारी हो। तो इसके दोनों विधान है, दोनों ही विधान इस वीडियो में बता दूंगा, तामसिक और साध्विक, यानी तामसिक करेंगे तो वो भी आप घर पे कर सकते हैं, शमशान जाने की जरूरत नहीं है, वैसे शमशान जाएं तो ज्यादा बेहतर है, और साध्विक वो भी घर पे कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके का विधान बता दूंगा। और ये भूत भविष्य वर्तमान बताती है, साधक के पास मात्र 3 से दूसरे तीसरे दिन से ही अनुभव होने शुरू हो जाते हैं साधक को, लेकिन इस साधना में जो आप अनुभव करेंगे बड़े ही विपरीत और प्रचंड अनुभव होंगे, जो भी साधक करेगा इसे रक्षा मंत्र के साथ करे, यानी घेरा मंत्र लगा के, जो कि हमने वीडियो आप में अपनी 7 से 8 रक्षा मंत्र दे दिए हैं, मात्र एक माला जाप पे ही वो सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है।
तो जो मैं जो साधना देने जा रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही गोपनीय और प्रचंड और इतनी महान साधना है। मैं महान इसलिए बोलूंगा क्योंकि इनके आड़े कोई नहीं आता। आंशु मेहतानी की साधना करने के बाद, यानी एक बार साधक अगर इनको सिद्ध कर ले तो जरूरी नहीं है कि इधर उधर की साधनाओं के चक्कर में पड़े। और जिन लोगों को हमने आंशु मेहतानी की साधना कराई है उनके काम बन रहे हैं, बिजनेस कारोबार हर तरीके से, प्रॉपर्टी लाइन में, धन के मामले में, शत्रु बाधा सारे नाश करती हैं, ठीक है। और इनकी जो क्रियाएं हैं वो हर शक्ति नहीं काट कर सकती, एक दो शक्ति ऐसी बनी है जो इनकी काट करती है, बाकी ये किसी का कहना नहीं मानती है और ना ही कि कोई इनके आड़े आता है। इनकी अगर इनकी चौकी लगा दी जाए किसी व्यक्ति पे ना तो काटना संभव ही नहीं, असंभव हो जाता है। उसको वही साधक काट सकता है जो आंशु मेहतरानी का उपासक होगा, ठीक है। तो मैं जो आप लोग खुद करोगे तब जानोगे, मेरे कहने से मतलब तो मेरा तो जानकारी देने का उद्देश्य है, जानकारी दे रहा हूं, जो मैंने अपने आप से प्रैक्टिकल किया, मैंने जो अपना अनुभव किया वो आपसे शेयर कर रहा हूं इनके माध्यम से। यानी ये भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली साधना है। प्रत्यक्ष आती है आंशु मैया और प्रत्यक्ष आने के बाद में अपने साधक को दर्शन देती है और वचन देती है, ठीक है। तो इनका क्या करना है विधान बता देता हूँ। नवरात्रि में 25 जनवरी से गुप्त नवरात्रि चालू हो रही है, आप इनको गुप्त नवरात्रि में शुरू कर सकते हैं। पहली नवरात्रि से रात्रि का समय रहेगा 8 बजे का, जो भी आपका समय एक ही निर्धारित कीजिएगा, एक माला गुरु मंत्र की, एक गणेश मंत्र की, ठीक है, और एक भैरव मंत्र की करने के बाद इस साधना को कीजिए। और इसमें आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, कोई ना ही कोई नशा करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एकांत में, मतलब ज्यादा से ज्यादा चुप रहने की यानी शांत रहने की कोशिश की करें और किसी को बताए नहीं कि आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं। तो अभी पहले साध्विक विधान सुन लीजिएगा। साध्विक विधान में आपको क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक लगाना है, ठीक है। एक कोई लकड़ी का बेजोटा ले लो, और नहीं हो तो भी चलेगा, लकड़ी का बेजोटा ले, उस पर लाल वस्त्र बिछा ले, दीपक प्रज्वलित कर ले, सरसों के तेल का, आंशु मैया का फोटो रख ले, हमसे हमारे चैनल से ले ले, ठीक है। और दीपक प्रज्वलित कर ले सरसों के तेल का, दिशा आपकी रहेगी उत्तर या पूर्व, आसन कुशका, माला रुद्राक्ष की, ठीक है, वस्त्र आपके काले रहेंगे, ठीक है, या आप निवस्त्र भी कर सकते हो, ठंडी ज्यादा है इसलिए निवस्त्र नहीं करें, वस्त्र धारण करें काले, ठीक है। साधना काल में ब्रह्मचार्य नॉनवेज ये सब अनिवार्य है, दीपक सरसों के तेल का रहेगा। और भोग में 7 प्रकार की मिठाई, एक नींबू वाली प्रतिदिन, एक गुलाब का इत्र, 5 गुलाब के फूल प्रतिदिन, ठीक है, और 7 प्रकार की मिठाई, एक नींबू वाली, 2 लौंगे यानी 2 लौंग का जोड़ा यानी 4 लौंगे, 2 बतासे प्रतिदिन माँ को कपूर पे जला के अर्पित करना है, ठीक है। और लास्ट वाले दिन, ये साध्विक विधान है, लास्ट वाले दिन आपको माँ आंशु मेहतरानी को 14 पुड़ी, सूजी का हलवा, ठीक है, 14 पुड़ी सूजी का हलवा, 14 लौंगे और 14 ही इलायची का भोग देना है, यानी इन भोग के साथ में, ठीक है, जो आप डेली लगाएंगे वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, बाकी लास्ट वाले दिन भी सारा भोग देना है। और नींबू वाली प्रतिदिन देनी है माँ आंशु मैया को, ठीक है। बहुत ही प्रचंड और बेहतरीन साधना है, हल्के में कोई साधक ना ले, ढूंढने से नहीं, खंगालने से नहीं मिलेगी ये साधना। और ये भूत भविष्य जो बताती हैं बिल्कुल सटीक बताती हैं, 95% सटीक बताती हैं, क्योंकि ये कोई अप्सरा वगैरह नहीं है, ये देवी है, ठीक है, आंशु मेहरानी, जो कि कुल देवी में, वाल्मीकि समाज के कुल में स्थापित है, ठीक है। अब मैं तामसिक विधान बता देता हूं, तामसिक विधान सुन लीजिए, ये तो साध्विक हो गया। तामसिक जो करना चाहता है, यानी तामसिक का और साध्विक का मतलब बता देता हूं, कुछ पूछते हैं साध्विक में और तामसिक में। एक नॉर्मल आदमी, जैसे कि नॉर्मल अभी मैं हूं, और एक ड्रिंक पिया आदमी, यानी ड्रिंक पिया आदमी जो होता है वो प्रचंड हो जाता है, उसका जो वेग है बढ़ जाता है, गुस्सैल हो जाता है, और वो कोई भी कार्य करने में सक्षम होता है। उदाहरण दे रहा हूं, किसी को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्रिंक कीजिए, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा ही फर्क होता है साध्विक में और तामसिक में। तामसिक में शक्ति की, जो शक्ति प्रचंड रूप में आती है। अभी मैं आपको अभी जो तामसिक विधान है वो बता देता हूं। दीपक रहेगा आपका सरसों के तेल का या स्वर की चर्बी का। दिशा दक्षिण, यानी विधान बदल जाएगा, दिशा दक्षिण। आसन कुश का रहेगा या काले रंग का। माला रुद्राक्ष की। साधना शमशान में कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं,
साधना जो वस्त्र काले या निवस्त्र होके कर सकते हैं। ठीक है, भोग में आपकी जो सात प्रकार की जो मिठाई है वो पांच प्रकार की हो जाएगी। पांच प्रकार की मिठाई, एक नींबू बलि प्रतिदिन इसमें भी चलेगी। ठीक है, स्वर की कलेजी चाहिए पहले दिन, और शराब प्रतिदिन शराब का भोग लगेगा। दो गुलाब के फूल प्रतिदिन, एक इतर गुलाब का ले लें या किसी भी चीज का एक इतर ले लें, और दिशा दक्षिण हो गई, इतर आपका गुलाब का ले लें, गुलाब के फूल ले लें, शराब होगा और सरसों मतलब एक स्वर की चर्बी का दीपक। ठीक है, और नहीं मिले तो सरसों के तेल का चल सकता है। अभी पता नहीं कौन कुछ बेच रहा है, नीचे गांव में बैठा हूं ना इसलिए आवाजें आ रही हैं, डिस्टर्ब मैं भी हो रहा हूं, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूं। ठीक है, ये तामसिक है, और इसमें जो लास्ट वाला भोग रहेगा उसमें इसमें आपको स्वर का बच्चा देना पड़ेगा, जो कि छोटे से छोटा बच्चा हो, यानी घेटा। इसमें स्वर का बच्चा चलेगा, स्वर का बच्चा देना है। ठीक है, और ज्यादा दिनों का नहीं, दो चार दिन का, आठ दिन का, इससे बड़ा नहीं। और जब आप उसको भेंट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। जब आप स्वर के बच्चे की बलि चढ़ाएंगे, चढ़ा के उसके जो मुंह है गर्दन सामने रखेंगे, रख के उसके ऊपर कपूर जलाएंगे, लौंग का जोड़ा जलाएंगे, जब आप जलाएंगे तो वो और शराब उसके आगे रखेंगे तो वो मुंह चलाएगा, कटी गर्दन से बच्चा मुंह चलाने लगेगा। जब मुंह चलाने लगेगा तो समझ लेना हमारी साधना सफल हो चुकी है। ये प्रैक्टिकल अपने अनुभव बता रहा हूं, वीडियो में सारी चीजें नहीं बता सकता हूं, तो जिसको साधना करनी है वो कर सकता है तामसिक रूप से या साध्विक रूप से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन सभी साधकों से कहूंगा, साधक जो भी या कोई भी साधना करे जन कल्याण के उद्देश्य से करे, किसी का गलत सोच के ना करे, क्योंकि शक्तियां बड़ी शक्तियां जो बनी है वो जल कल्याण के लिए बनी है, ना कि किसी का बुरा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सभी को मालूम है कलयुग में भगवान केवल छाया मात्र है, बाकी सब लुप्त है, अदृश्य रूप में है। तो ये देवी जो ये हमारी शक्तियां हैं, यही हमारा कल्याण करने के लिए कलयुग में इनका निवास है, ये रह चुकी है। ठीक है, तो जिसको साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है, पूरी जानकारी ले सकता है। मंत्र यहाँ पे नहीं दूंगा, पहले सभी वीडियो की बात ही। ठीक है, सबको मालूम है कि ये साधना है, जो गुप्त साधना है, और जिन लोगों ने की है उनका अलग ही मतलब ये कि लोगों को अनुभव रहे उन लोगों के। आंशु महतरानी भूत भविष्य ज्ञातनी, यानी भूत भविष्य वर्तमान बताती है ये। ठीक है, और जिसको साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है, स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, हमारा नंबर है 9639857509, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस साधना की सभी साधनाओं की बात ही जो फीस है, एक थोड़ी कॉस्टली यानी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा रखी जाएगी, ज्यादा नहीं थोड़ी ज्यादा रखी जाएगी, क्योंकि ये साधना अपने आप में और भी रहस्य में है, और मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है, संस्था का निर्माण करा रहा हूं तो फीस तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिसको साधना करनी है फीस पे करनी पड़ेगी। साधना का मंत्र विधि विधान के साथ कहेगा, तामसिक तो तामसिक कहेगा, साध्विक तो साध्विक दे दिया जाएगा। और ये साधना जिसको भी दी जाएगी, कीलित करके दी जाएगी, केवल उसी पे कार्य करेगी, दूसरे अन्य व्यक्ति पे कार्य नहीं करेगी। यानी अगर जो अपने नाम से लेगा तो उसी के नाम पे साधना को कीलित कर दिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति अगर किसी फ्रेंड को या परिवार में किसी को देता है तो उसको भी छोड़कर आंसुमैया चली जाएंगी। ये हम पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, क्योंकि संस्था में कार्य चल रहा है तो बहुत कम लोगों को हम समय दे पा रहे हैं। अभी भी काम चल रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जिसको साधना करनी है वो कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है और हमसे संपर्क कर सकता है। और 25 जनवरी से गुप्त नवरात्रि चालू है, तैयारी कर लीजिए, ज्यादा दिन नहीं बचे, आज 13 तारीख है। ठीक है, शाम तक वीडियो मिल जाएगी किसी टाइम तक, तो अभी तो बस ज्यादा दिन नहीं है, केवल 10 से 12 दिन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि जो भी हम वीडियो बनाए वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, या किसी को संस्था के निर्माण दिन यानी जो कार्य चल रहा है उसमें योगदान देना चाहता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे अकाउंट नंबर है, आप वहां पे जो भी आपसे बन सके वो मतलब एक डोनेशन कर सकते हैं, संस्था का निर्माण अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो
बाकी किसी को कुशासन, रुद्राक्ष माला या माँ आशु मेहतरानी तंत्रनाशक कवच, अघोर लक्ष्मी कवच, ब्रह्मचार्य रक्षावीर कवच, बाबा कीनाराम अघोरी तंत्रनाशक कवच या धंधा यक्षिणी कवच, इन कवच में से जो भी कवच चाहिए आप मंगा सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई है लेकिन वीडियो बहुत अच्छी है, अभी जिसको करनी है वो तैयारी कर ले, पूरा विधान बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाकी जय श्री महाकाल।